ये मर्सरीज C220 है, इसमें क्या हो रहा है ना, इसका चेक इंजन का लाइट आ रहा है। इधर आप डिस्प्ले में देख सकते हो, और गाड़ी थोड़ा पिकअप का इशू दे रहा है, तो अभी इसको स्कैन करके चेक करते हैं। धूप आ रहा है यार इधर, इसमें एक फोल्ड आ रहा है ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल CDI, अभी तक प्रोसेसिंग हो रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है ये, काफी सारे इसमें सेंसर मॉड्यूल आता है ना इसके लिए। तो इधर देख सकते हैं, ये इसका ECM में अपने जो एक फोल्ड कोड आया है, वो भी करंट है, करंट स्टोरेज दोनों है, करंट एंड स्टॉप। तो P01-22-00 पोजीशन सेंसर 1 फॉर द टोटल वाल हस ए शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। और उसमें दूसरा क्या है, ये इस्तेमाल फंक्शन, ये भी शॉर्ट सर्किट, इसका लाइट का ये है शॉर्ट सर्किट पॉजिटिव और एन ओपन सर्किट। टोटल वाल, तो टोटल बॉडी पे जो उसका पोजिशन सेंसर आ रहा है ना, उसका फॉल्ट कोड ये आ रहा है सेंसर 1 का। तो अभी इसको चेक करते क्या हुआ है, अगर ये क्लोज रहेगा तो भी फॉल्ट कोड आता है, अगर वायर किधर कटा रहेगा तो भी होएगा, सेंसर भी ख़राब हो सकता है, तो इसको भी खोल के चेक करते। पहले इसको एक बार क्लियर करके देखते हैं। स्विच ऑफ इग्निशन, ओके। स्विच ऑन इग्निशन, ओके। तो इधर देख सकते हैं, मैंने इसको क्लियर भी किया बट ये गया नहीं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है सेंसर का, इसका इशू है सेंसर 1 फॉर थ्रॉटल वाल्व का।
तो इसमें इसको फॉल्ट कोड क्लियर भी किया पर क्लियर हुआ नहीं, वापस से ये फॉल्ट कोड आ गया। तो इसको भी आप उसका काम करके लेंगे। तो दूसरा जो है लाइट का फॉल्ट दिखा रहा था ना, ये देख सकते आप इधर जो लाइट का रिपेयरिंग कर रहे हैं। इसका भी टोटल वन सेंसर चेक करते हैं। तो ये इसका टोटल बॉडी है जो ये एकदम ये साइड में आता है, इधर नीचे आता है। इसको खोलने के लिए इसका ये ईजीआर हो गया, ये सारे पाइपलाइन है, बहुत सारा कुछ खोलना पड़ता है। और इसमें क्या हुआ है ना, इधर ऑयल आ गया, देख सकते हो ऑयल से ना पूरा इसका जो टोटल बॉडी है ना सर्किट आता है, उसके अंदर पूरा ऑयल चले जाता है। ये टर्बो से जो ऑयल जाता है, तो कभी कभी क्या होता है ऑयल जाके भी अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, तो कभी कभी क्या उसका जो सर्किट है ना वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसके लिए अपने को इसका टोटल बॉडी चेंज करना पड़ता है इस कंडीशन में। ऐसा तो मैंने एक बार किया था, एक मर्सिडीज का और था मर्सिडीज, तो उसका ऐसा हुआ नहीं था, उसको अपने को नया डालना पड़ा था। ये भी जहाँ तक एक साफ करके चलता नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू अपने को फॉल्ट शो कर रहा है। अगर ये क्लियर करने फॉल्ट जाता है, कुछ टाइम रुक के आता है, तो एक बार हो सकता है कि क्लियर करके इसको क्लीन कर दे फिर चले जाएगा, सही हो जाएगा अपना। बट ये क्लियर करने पे भी नहीं जा रहा है, तो इसका टोटल बॉडी अपने को डालना पड़ेगा। तो अभी इसका टोटल बॉडी हम चेंज करेंगे। इसके लिए ये पूरा अपने खोलना पड़ेगा। ये हो गया इसका ये ईजीआर, ये पूरा ऐसा बाहर आएगा पूरा ये। हाँ तो फ्रेंड, इसका अभी हम लोग ये टोटल बॉडी खोलने जा रहे हैं। ये इसका वैक्यूम डब्बा है। अभी ये ईजीआर ये असम्बल ऐसा पूरा ये बाहर आएगा, ईजीआर पूरा बाहर आएगा। उसके बाद में इसके नीचे टोटल बॉडी है इसका एंटी मैनिफोल्ड में, फिर इसको बाहर निकालेंगे, देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। अपने को तो डैमेज ही लग रहा है ये, जैसे कि पहले भी किसी ने खोला हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा उसका जो रिंग होता है सब बाहर है। तो ये अभी हम खोल रहे हैं इसको, ये आप देख सकते हो। हाँ तो ये इसका ये टोटल बॉडी है, देख सकते हो इस पर सेंसर दिखा रहा था। तो अभी मैं इसका ये सॉकेट डिस्कनेक्ट किया, उसमें इसमें देख सकते हैं कैसा सब ये कैसा खुला हुआ है नीचे की तरफ, डैमेज है पूरा ये। ये मैं जरा वो स्क्रूड्राइवर दिखाओ जरा, हाथ जाएगा स्क्रूड्राइवर दिखाओ जरा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ना कैसा पूरा खुला हुआ है टोटल बॉडी का। ये इसके अंदर एक सर्किट आता है, अगर ये अंदर ऑयल भर जाएगा ना इसके अंदर, जैसे ऑयल जाता है इधर इंटिंग मैनिफोल्ड से, तो ये टर्बोस होके आता है, तो भी इसका सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो भी अपने को प्रॉब्लम दिखाएगा। तो ये भी टोटल बॉडी इसको बाहर निकाल रहे, देख सकते हैं कैसे ऑयल है पूरा खुला हुआ भी है, ये डैमेज भी है ये। तो इसका इस प्रॉब्लम था, तो अभी इसको ये रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि रिपेयर होगा नहीं, क्योंकि डैमेज है इधर से ये टूटा हुआ है। मैं करीब लेके दिखाता हूँ कैमरा, थोड़ा अंदर है, पकड़ जरा इसको ड्राइवर। ये इधर देख सकते हैं, ये देखो इधर का ये खुला हुआ है इधर पे, ये देख सकते हैं कैसा एक खुला हुआ है, ये कैसा ये वाला एक लोग बैठा है, ये पीछे वाले से खुला हुआ है इसका टोटल बॉडी। तो इसका ही फोल्ड कोड अपने को आ रहा था, ये पूरा कैसा भीगा हुआ है देख सकते हैं पूरा। ये रहा इसका टोटल बॉडी, तो ये हम लोग इसको निकाल रहे हैं, ये देख सकते हो। बोर्ड निकल गया ना चारों, नहीं निकला बाबू एक बोर्ड, और भी एक बोल्ट है क्या? नहीं तो चार बोल्ट आता है ऊपर एक तुम्हारे हाथ में। चटक रहा है क्या? नहीं रे, अगर पकड़ जा रहा है ये टोटल बोर्ड, निकाल निकाल आराम से निकाल, हाँ निकाल आराम से। तो
निकाल सीधा करके। ये रहा इसका टोटल बॉडी। ओके, एक मिनट, तो ये इसका टोटल बॉडी ऐसा खोल के निकालना रहता है। तो ये अपन अभी इसको थोड़ा शॉर्ट वॉट में निकाले हैं, ये खाली ईजीआर खोल के। ईजीआर खोलने के बाद में यहाँ से चार बोल्ट आता है, ये खोल के पाइप थोड़ा कटा के इसको साइड में करके निकाल लिए। तो ये इसमें क्या देख सकते क्या प्रॉब्लम है, ये इसका कैसा, ये देख सकते ये कैसा, ये लॉक है, इधर पूरा खुला हुआ है, ये देख सकते कैसा डैमेज है पूरा ये। इसको भी इसको रिमूव करते हैं, ये तो इधर खुला ही हुआ था उधर पे, पता नहीं कि जन लोगों को दिख नहीं रहा पर आ रही होगी बहुत से। इसका ईजीआर है जो भी खोला हमने, ये इसका टीक्यू सेंसर जो है टोटल पोजीशन सेंसर का, टोटल बॉडी का। तो ये इधर पे देख सकते हो कैसा ये हीट हो के जल गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। इधर देख सकते हो कैसा काला काला सब जल गया है। और ये इसका ये टोटल बॉडी का जो गियर है यहाँ पे भी देख कैसा ब्लैक ब्लैक हो गया सर, हीट हो गया पूरा ये। तो ये पूरा भी ख़राब हो गया है, ये इसको भी हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं इसको। हाँ, तो ये दूसरा इसका टोटल बॉडी लाया हम लोग अभी ये फिटिंग करने के लिए। ये गाड़ी वाला टोटल बॉडी है जो ख़राब था, तो ये टोटल बॉडी अभी हम लोग फिटिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो इसका टोटल बॉडी हमने इसको भी इस पर फिटिंग कर दिया है, और इसका भी फॉल्ट कोड भी इसका हमने क्लियर कर दिया है, देख सकते हो आप, इसमें अभी कोई फॉल्ट कोड नहीं है, इसको भी क्लियर कर दिया है। और ये गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर सकते हो, इसमें कोई फॉल्ट कोड नहीं है अभी, देख सकते हो गाड़ी अपना स्टार्ट है, इसमें कोई चेक इंजन लाइट नहीं है अभी। पहले कैसे इसमें चेक इंजन लाइट रहता था, इसमें फॉल्ट कोड कंटिन्यू रहता था, तो इसमें इसका टोटल बॉडी का इशू था। ये प्रॉपर गाड़ी भी स्टार्ट है, देख सकते हो कोई फॉल्ट कोड नहीं है, तो इसका इसमें टोटल बॉडी का इशू था। और ये रहा इसका ये पुराना टोटल बॉडी जो इसका प्रॉब्लम था।